एक सेकेंड। तुम्हें एक ही बात कितनी बार बोलनी पड़ती? मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। गलती से आ गई। तुम नींद में चल रही थी जो गलती से यहाँ पर पहुंच गई। मुझे पता है तुम ऐसे कुछ जानबूझकर मुझे इरिटेट करने के लिए करती हो ना। मैं आपको क्यों इरिटेट करूंगी? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे क्यों इरिटेट कर रही हो। मैं इरिटेट नहीं करती सर, मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। एक अजीब सा आदमी आपके पीछे आ रहा था, उसका पीछा करते करते ही मैं आपके पीछे आ गई। प्रोटेक्ट कर रही तुम मुझे? क्या प्रोटेक्ट करोगी? अपने आप को प्रोटेक्ट करो। मैं तो प्रोटेक्शन लेकर घूम रहा हूँ। बहाने मार रही हो ना। तो फिर मेरी बातें सुन रही थी तुम। सर मैं किसी और की सेक्रेटरी नहीं हूँ जो किसी और के लिए आपकी जासूसी करूँ। चुप। बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन यहाँ आप रॉन्ग है सर। क्या लगता है तुम्हें कि इतनी सिक्योरिटी, इतने सारे पुलिस के बीच में वो शार्प शूटर आएगा और मुझे जान से मार देगा? हा? तुम मत। क्या हुआ? बस बोलती रहो। ऐसे लगना चाहिए हम बात कर रहे। बात ही तो कर रहे हैं। वो यहाँ पर आ गया। कौन? शूटर। उसने निशाना भी लगा दिया। कहाँ? अगर तुम ज्यादा हिली तो जान जाएगा कि हमें उसके बारे में पता चले। अच्छा ये बताओ कि मेरे पीछे क्या? बहुत सारे लोग हैं सर। उसके अलावा? और रावण है, और तो कुछ नहीं। ये बीच में क्यों आ रहा है? ये भी साथ में मरेगा क्या? तो रावण के पुतले में। ठीक है ना, भागते हैं। तुम भाग लोगे। अगर हम ऐसे भागे तो गोली चला देगा। खड़ी रहो। बस एक बार हट जा। एक बार। आप तो हट जाइए। कहाँ जा रही हो मैडम? क्या ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन तुम्हारा निशाना कैसे चूक गया? लाइफ में पहली बार हुआ है, वो भी तुम्हारे उस भाई की वजह से। भाई की वजह से? हाँ, जब मैं उस लड़की पे निशाना लगा रहा था पर तुम्हारा वो भाई बार बार निशाने के बीच में आ रहा था। उस पर तुम्हें गोली नहीं चला सकता ना, तो मुझे वेट करनी पड़ी कि वो कब वहां से हटे और मैं कब गोली चलाऊं। फिर मुझे लगा कि तुम्हारे भाई को मेरे बारे में पता चला। जब मैंने उस लड़की पे गोली चलाई तो तुम्हारे भाई ने उसको बचा लिया। लाइफ में पहली बार निशाने से चूके, तो क्या इसका मतलब ये है कि पहली बार हार भी मान जाओगे? कभी नहीं। लोगों को मारना मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरा एम्बिशन। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए एक चैलेंज बन गया। उस लड़की को हर हाल में मार के छोड़ूंगा। तुम्हारे फालतू के डायलॉग मैंने पहले भी सुने हैं। रिजल्ट दिखाओ, उसे मार के दिखाओ। इसलिए तो मैंने तुझे यहाँ पे बुलाया। संभाल के रखो अपने भाई को, क्योंकि अब जो काम मैं करने जा रहा हूँ ना, अगर उसके बीच में कोई आ गया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। कोशिश करो कि तुम्हारा भाई उस लड़की से दूर रहे। अगर उस लड़की के साथ कोई मर गया ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तुम ऐसा क्या करने वाले हो? आपको कहा था ना कि मैं अपना प्लान किसी के साथ शेयर नहीं करता। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो, समझे? तू कहाँ जा रही है? मैं वो अभी से मिलने। खबरदार अपनी गंदी जबान पे मेरे बेटे का नाम भी लिया तो। ये सब तेरी वजह से हो, मनहूस है तू उसके लिए। मेरी वजह से? आप कहना क्या चाहती है कि अभी पे अटैक मैं करवा रही हूँ? अगर तू प्रज्ञा को मरवा सकती है तो अभी को क्यों नहीं? अब ऐसे मत कहना कि मैं उसे प्यार करती हूँ। मेरी तरफ क्या देख रही है? यादाश्त अभी की गई है, हमारी नहीं। और मुझे तेरी जो पुरानी रामायण है ना, मुंह जबानी याद है। ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, वरना क्यों? इसके आने से पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही ये आई सब कुछ बिगड़ गया। भयंकर तनु, इसका सब कुछ छीन कर दी तू, इसी पर इल्जाम लगा रही है। मैंने नहीं, इसने छीना है। अभी शुरुआत से मेरा था और हमेशा मेरा रहेगा। और हाँ, अब तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मेरे और अभी के बीच में किसी ने भी आने की कोशिश की तो मैं क्या कर सकती हूँ ये सब जानते हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वायरिंग अच्छे से करना, मेरी रेपुटेशन का सवाल है, ठीक है ना? जी, जल्दी कर, जल्दी। हो गया, मैंने इन फूलों में बॉम्ब को ऐसे फिट कर दिया है जहां किसी की नजर नहीं जाएगी। और ये रहा रिमोट कंट्रोल, इसका बटन दबाते ही 2 मिनट बाद बम फट जाएगा और जिस किसी के हाथ में भी ये गुलदस्ता रहेगा वो फट जाएगा। ये आदमी है कहाँ? थोड़ी देर में भाई रावण को आग लगा देंगे, फिर सब कुछ खत्म। तो प्रज्ञा कहाँ चली गई? लगता है बोर होकर चली गई गई। इतना अच्छा चांस है, आई होप शूटर उसे ढूंढ के वहीं खत्म कर दे। हेलो, मैं हूँ। हाँ तुम हो, लेकिन तुम वो कहाँ पर? थोड़ी देर में पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो टेबल पे फूल देख रही हो ना? हाँ। उसमें मैंने बम फिट कर दी। रिमोट मेरे पास है, काम करो, वो फूलों का गुलदस्ता ना लड़की को दो और लड़की को वहां से दूर भेज। जब वो लड़की यहाँ से दूर जाएगी ना तो मैं रिमोट प्रेस कर दूंगा। रावण से पहले वो लड़की राख हो जाएगी। क्या करूं, कैसे उसे वो बुके दूं और सबसे दूर भेजूं? अरे आलिया, ये फूल का ले जा रही हो? ये बुके खराब ना हो जाए तो सोच रही हूँ कि गाड़ी में रखवा देती। तुम रखोगी? नहीं, आपकी सेक्रेटरी है ना, उसको बोल देती हूँ गाड़ी में रखने के लिए, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो। ठीक है, बोल देना, पर जल्दी आना, रावण जलने वाला है। क्या भाई, सुनो, ये फूले जाकर भाई की गाड़ी में रखवा दो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। तो अब तुम भाई के ऑर्डर्स भी फॉलो नहीं करोगी? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। एक सेकेंड भाई, बड़ी क्या जाओ, भाई का काम करो, वरना तुम्हें पता है उन्हें बुरा लग जाएगा। ये सब सिक्योरिटी तो है ना यार, जल्दी से जाकर ये बुके रखकर आ जाओ। ये फूल मैंने तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारी अर्थी पे रखे हैं प्रज्ञा। आज बुराई के साथ साथ एक सो कॉल्ड अच्छाई का भी अंत होगा। अभी तेरे आसपास कोई गुलदस्ता है क्या? फूलों का गुलदस्ता तो था, लेकिन आप नहीं, कहाँ है वो इस वक्त? अरे वो खराब ना हो जाए इसलिए उसे गाड़ी में भिजवा दिया। अभी उस बुके में बॉम्ब है और वो कभी भी फट सकता है। क्या? हाँ, बॉम्ब।